जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन के एरियर पर बड़ी अपडेट है। वैसे तो मैंने आपको सुबह अपनी वीडियो में बता दिया था कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख को ओआरओपी रिवीजन का एरियर आपके खाते में नहीं आ रहा है, लेकिन देखना यह था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया था गवर्नमेंट को ओआरओपी रिवीजन का एरियर पे करने के लिए, तो वो आज 15 तारीख को समाप्त हो रहा था। अब ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो, कई संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि टेबल चार्ट जारी कर दिया जाए, हो सकता है एरियर पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट में अनाउंस कर दे, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी रिवीजन एरियर के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट दे। और मैंने यह भी संभावना जताई थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पहले से ही एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए दोबारा से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक नहीं बल्कि दो दो एप्लीकेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, और वो दो एप्लीकेशंस कब दाखिल की गई हैं और किसने इनको दाखिल किया है आपको मैं जो है ये सारी चीजें बताऊंगा। आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेजर जनरल सदवीर साहब का जो है ट्वीट है, इन्होंने लगातार दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा, ओ आरोपी शॉकिंगली ऑन 14 दिसंबर 2022, वन डे बिफोर एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, गवर्नमेंट हैज फाइल्ड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू पे एरियर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2019 एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 16 मार्च 2022, डिनाइंग राइटफुल रिवाइज पेंशन टू ESM। उन्होंने लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन पर बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से 14 दिसंबर 2022 को, मतलब एक्सटेंशन ऑफ पीरियड के समाप्त होने के एक दिन पहले, गवर्नमेंट ने ओआरओपी का एरियर 1 जुलाई 2019 से पे करने के लिए फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन डाली है। उन्होंने लिखा कि एक्स सर्विसमैन को जो वैध संशोधित पेंशन है उससे वंचित किया जा रहा है। और दोस्तों दूसरा ट्वीट भी जनरल साहब ने किया है, और इसी ट्वीट में उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन के बारे में भी बताया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ISM has filed MA on 14 December 2022, यानी कि इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट ने भी मिसलेनियस MA यानी कि मिसलेनियस एप्लीकेशन 14 दिसंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है कि सरकार को और ज्यादा समय ना दिया जाए और इमीडिएटली एरियर को पे करने के लिए डायरेक्ट किया जाए। वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 3 महीने की बजाय 9 महीने का समय मिल चुका है, सरकार एक्स सर्विसमैन को वैध बकाया देने से क्यों इनकार कर रही है, यह गंभीर चिंता का विषय है। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन दोबारा से डाली है, इसका तो खैर आगे जाकर ही पता लगेगा कि क्या फंड की कमी के कारण गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन डाली है, या फिर चार टेबल तैयार नहीं हुए थे, या जो भी है वो कारण सामने आ जाएंगे। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन को फिर से मंजूर कर देगी, या गवर्नमेंट को इमीडिएटली वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन का एरियर पे करने के लिए दिशा निर्देश देगी। जो भी होगी खबर बनी रहेगी नजर। तो दोस्तों आप भी अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं, कल मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।